शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें आशीष दे, आज उन्हें बरकत दे, आज उन्हें छू पिता परमेश्वर के कि वो आपके बच्चे हैं। आज आपके बेटे और बेटियां जो उदास नहीं है पिता परमेश्वर, उनका मन हमेशा खिला रहे पिता परमेश्वर। हम धन्य हैं परमेश्वर कि आपके वचन को ग्रहण करते हैं, आपके वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि पिता हमारी हर प्रार्थना का जवाब उत्तर आप देने वाले, आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सुंदर से सुबह के लिए, सुबह टाइम पिता परमेश्वर जो भी अड़चने आती हैं पिता परमेश्वर वह रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी मसीह भाई बहन सोते हुए सुन रहे पिता, बैठे हुए सुन रहे पिता परमेश्वर, अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज उस भाई को उस बहन को छो पिता परमेश्वर के कि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप तो सृष्टि के कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार सभी की देख रेख की पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। इसीलिए आप बिल्कुल भी भयभीत मत होइए, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि खुदावंद आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके बच्चों को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके बेटे और बेटियों को छूने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर का वचन वहाँ पे कहता है, जब वह बाहर चला गया था तो यीशु ने कहा कि अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें है और हुई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की महिमा होती है उसके पुत्र के द्वारा। आज हमारा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज हमारा सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाला कौन है? आज वो प्रभु यीशु मसीह है। आज उसके नाम से आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यदि उनमें से परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, आप में उसकी परमेश्वर महिमा करेगा। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है, परमेश्वर हमें आशीष हर प्रकार से परिपूर्ण करता, चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, आपके बच्चे के लिए, आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हे बालकों, और परमेश्वर का वचन कहता है हे बालकों मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर मुझे ढूंढोगे। और जैसे मैंने परमेश्वर का वचन कहता है यहूदियों से कहा है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो तुम इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बेटे और बेटियाँ हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, याद करिए उस वचन को, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा हुआ है अध्याय 13 और वचन नंबर 31 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक नई आज्ञा दी थी
कि हे मेरे बेटे और बेटियों, जिस तरीके से मैंने यहूदी और फरीसियों के कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे और लेकिन तुम मुझे पाओगे नहीं, मैं ऐसे जगह जाता हूँ कि तुम ढूंढोगे और पाओगे नहीं और तुम वहाँ नहीं आ सकते हो, उसी तरीके आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी कहा था कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियों, हे मेरे बालकों, मैं तुमसे कहता हूँ कि आप अपने पड़ोसी से, अपने शत्रुओं से भी उसी तरीके प्रेम रखें जिस तरीके आप अपनी देह से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने शरीर से नफरत करता होगा, कोई नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले पर, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। मेरे प्रियो, आज हमें प्रेम रखना है, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे कितना भी कट्टर हमारा दुश्मन क्यों ना हो, आज उसके दिल में हमारे दिल में किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रेम सिखाया है, प्यार सिखाया है, जीवन दिया है, और सच्चे परमेश्वर होने का दावा नहीं, परमेश्वर ने साबित करके दिखाया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है हमारा परमेश्वर। आज खुदावंद हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आज तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है हमारा परमेश्वर। आज हम धन्य हैं कि नहीं हैं? आज हम धन्य हैं, आज हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम सच्चे ईश्वर की आराधना और स्तुति करो, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज तुम आशीषित होगे, आज तुम्हारे घर में हर प्रकार की जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें, वो जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिताओ, खुदावंद की आप हमें आशीष, हमें बरकत देने वाले हैं, आप हमें छुड़ाने वाले हैं, आप हमें हर तरीके से पिता परमेश्वर मजबूत करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जे यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहने हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वास दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आपकी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए, परमेश्वर का
वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुखाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम।
नाम से, आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से। यीशु मसीह के नाम से विदा परमेश्वर। आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।